शॉल फैक्ट्री में स्वागत है आप लोगों का। चलो दिखाते हैं आप लोगों को भी। ये सिला यहाँ सोल बने मैंने सोल ना बाहर चले गए इतना। ओ ये देखो हाँ अब जा रहा है तो चलो जाऊंगा। ये छत गिरी है यहाँ पर और एक आमा यहाँ से गिर के उनकी डेथ हो गई। हे गाइस गुड मॉर्निंग। देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल शोभा कार्की में। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोग हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कौसानी में और आज हम लोगों का थर्ड डे है और आज हम लोग जाने वाले भी हैं घर अपने। तो सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं और जस्ट हम लोग ने सब पैकिंग वैकिंग कर लिए दोबारा से जाने के लिए और हम लोग रेडी हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि रेडी हो गए हम। यस रेडी हो गए हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा नहीं हो रखे, हो गए हैं। और आज का जो हमारा प्लान है वो है कि जैसे कल हम लोगों का ट्रिप जो है अधूरा रह गया था ना, हम लोग वहाँ पे शॉल फैक्ट्री में देख नहीं पाए थे और टी गार्डन अच्छे से देखा नहीं था, तो फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पर। बाय द वे आज हम लोग वैसे जाने वाले थे कोट ब्राह्मणी बट माता का शायद बुलावा जब आएगा तब जाएंगे हम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो चलते हैं अभी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे लग रहा है, 9 बज जाएंगे हम लोगों को यहाँ से निकलते हुए क्योंकि जो भी बिलिंग वगैरह करनी है सब कुछ उस चीज़ के लिए। तो ये देखो यानी देखो मेरे बड़े बड़े पिम्पल्स, ये देखो बड़े बड़े पिम्पल्स मेरे, इनको भी कौसानी आना था घूमने के लिए। जब भी मैं प्लान करती हूँ कहीं जाने का तो मेरे पिंपल्स ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको भी आना होता है घूमने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो फिर चलते हैं, तो उन्होंने भी घूम लिया कौसानी। ये देखिए नॉर्मल डेज में अब चले जाएंगे घर पे ये लोग। तो यस गाइस तो निकलते हैं हम लोग और आप लोग को भी दिखाएंगे कि क्या क्या होता है। तो स्टे ट्यून, बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में और कौसानी के दृश्य सुंदर नज़ारे देखें मेरा बाबू। सो लेट्स गो। बड़ा कौतिकी है ये, दूध पीते हैं का गाड़ी कह रहा है वो जाने की हो रही है। पहले दूध तो पी लो रुद्र बाबा, पहले दूध पी लो। ओले ले 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 ले, पहले दूध पी लो फिर जाएंगे गाड़ी में। हाँ थोड़ा सा पी लो। ओके हाँ चलो आ जाओ। कहाँ कहाँ गाड़ी में जाएंगे बाबा, अभी अभी जाएंगे, पहले दूध पी लो। कितना बदमाश है ये बच्चा, देख रहे हो। चलो चलो आ जाओ दूध पी लो। चलो गाइस देखो हम लोगों ने कंबल भी टाई कर रखा है। बाय बाय रूम, दो दिन यहाँ रहे बहुत मजा आया। अब तो कर्टेंस यहाँ पर से, ये देखिए भैया मैं 708 से बोल रहा हूँ। चलो रुद्रा चलो, ये लोग भी देख रहे सुबह सुबह का व्यू। उत्तराखंड से है ना तो जा नहीं सकते ऐसे। हेलो क्या नाम है आपका? इसका नाम है रुद्रा। रुद्रा आप कहाँ से रहने वाले? हम पिथौरागढ़ से। आप यहीं के हो क्या लोकल के? हेलो
रुद्रा? चलो भैया ठीक है, ओके बहुत अच्छा लगा। चलो भैया ने हमको यहाँ तक ड्रॉप किया, अब हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग को यहाँ से ढूंढनी है गाड़ी पहले, सबसे पहले। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं शॉल फैक्ट्री, भैया हमको लेके जा रहे हैं। 200 रुपया बोला इन्होंने। आप लोग को मैं बताते जा रही हूँ ताकि आप लोग जब आओ ना तो आप लोग को आइडिया हो जाए कि कैसे क्या करना है। तो 200 रुपया लिया है अभी भैया ने, तो हम लोग जा रहे हैं अभी, आप लोग को भी वहाँ पर दिखाएंगे। तो गाइस शॉल फैक्ट्री में स्वागत है आप लोगों का। चलो दिखाते हैं आप लोगों को भी, भैया ने हमको छोड़ दिया यहाँ पे, अब चलते हैं हम लोग भी। आज क्या दिख रहा है यार, पर्वत सच में हिमालय। ये है फैक्ट्री यहाँ। आप लोगों ने कल देखा था ये? भैया ये क्या मतलब क्या कर रहे हैं? ये स्टॉल बन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सिला वाला वहाँ है, वो ये है और तागा इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। अच्छा से इन तागों से बनेगा, जैसे ये तागा लगा दिया इधर और वो सिलेगा उधर। ये देखो भाई ये सारे बाबे इतने पतले पतले तागे से बन रहा है ना, कौन सी सस्ता पतला तागा है। अच्छा ये मोटर बनाते हैं मोटा वाले। अच्छा तो भाई इसमें पतले धागे में डबल करके सिलाते हैं ना, तो इसमें कुछ मजबूती आ जाती है। हाँ 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 हाँ, मजबूती के लिए। अच्छा अच्छा डबल धागे से। जी हाँ डबल धागे से बनाना पड़ता है। बाकी मोटा वाला भी करते हो? जी हाँ मोटा को करते हैं, ये मफलर में यूज करते हैं। अच्छा मफलर वगैरह में ना। जी मफलर होया स्वेटर होया इन चीजों में जो है मोटा धागा यूज करते हैं। अच्छा अच्छा तो ये जैसे वो है तो इसमें वो एक बना जाएगा। सब नाम में थोड़ा आगे पीछे करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा।
यहाँ टाइमिंग क्या है? 5 से 9 ना ना, सुबह 9 से 5। चलो भैया ठीक है, ओके। चलो फिर ये गाइस देखा हुआ मैंने शॉल फैक्ट्री में कैसे काम किया जाता है। यहाँ पर हैं तो गाइस ये शॉल फैक्ट्री हम लोग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं मतलब कैसा मिलता है। अच्छा मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो हमारे बेरीनाग में भी मस्त मिलता है। जूट ऐसा होंगे देखिए, बहुत बढ़िया चीज होगी ये। एक स्वेटर दिखा दो फिर इनके लिए। गाइस 10:30 बज गए हैं और हम लोग कर रहे हैं अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग। पति देव को तो मेरे पसंद नहीं आ रहा, देखते हैं अभी क्या पसंद आता है। मैंने तो फाइनली अपना पसंद कर लिया है, दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी भी लोग आ रहे हैं देखो, सुबह सुबह 10:30 बज चुके हैं, अभी हम लोग को जाना भी है यार। ये तो प्लास्टिक है, इसको निकाल दो, पैकेट दीजिए, दे देंगे आपको। 10:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो इन्हें तो पसंद नहीं आया। अभी ऊपर देखेंगे, ऊपर भी है काफी सारी शॉप्स, तो वहाँ देखेंगे कि अब तक वहाँ पसंद आ जाए इन्हें। लेट्स गो। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं आराम से। भैया स्वेटर दिखा दीजिए जेंट्स इनके लिए। पति देव ने मेरे लिए लिया है मस्टर्ड कलर का, भी बहुत सुंदर लग रहा है, मजा आ गया। मौसम अभी में देखिए ये वाले कलर में। This is the restaurant. ये देखो हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, तो हम लोग सोचे तब तक हम लोग टी बगान में कुछ फोटोज और रील्स करके आए हैं। देखा कल है ये हमने, और तब तक बन जाएगा इनका, फिर हम लोग खाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो हम लोग टाइम यूटिलाइज कर दे रहे हैं अपना यहाँ पर से। वैसे आज हम लोग वहाँ जाने वाले थे बट ऐसा हो नहीं पाया, कोट ब्राह्मणी वहाँ के लिए किसी दूसरे दिन प्लान करना पड़ेगा। पतिदेव इसके लिए फ्रूटी लेके आ रहे हैं, तब तक हम लोग निकल रहे हैं टी गार्डन। कल वहाँ पे एक भी रील्स नहीं बनाई थी, तो इसलिए जा रहे हैं। मतलब एक फ़ोटो भी खींच लेंगे एक आध, फिर आएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यार, सिर्फ 10-15 मिनट लगाएंगे बस, क्योंकि हम लोगों को वहाँ भी पहुँचना है गरुड़। कोट ब्राह्मणी का बड़ा खेद है मुझे, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। स्वागत है आप लोग का टी गार्डन में। देखा हुआ ये कल आप लोगों ने, जिसने भी नहीं देखा है
जो है लास्ट में दे दूंगी उसका लिंक, वो आप लोग देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जरूर देखिएगा। ये देखो चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं ये लोग। मैंने ये उतार दिया, मेरे इसमें पता नहीं क्या क्या लग गया यार, पूरा डैमेज ना हो जाए कहीं, है अलग ही वाला है ना वो। चलो फिर लंच कर लेते हैं यार। के साथ हम लोग फोटो शूट करेंगे थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। बाहर चले गए इतना। ये देखो हाँ अब जा रहा चाय के बगीच में चाय पत्ती तोड़ते हुए मजा आ रहा है। तो गाइस बहुत लेट हो गया, 12:03 हो गई, लेकिन दीदी ख्वाहिश पूरी हो गई यार, और लगा के ना मजा आया चाय पत्ती तोड़ने में। हस्बैंड को खाना आ चुका है, मेरा भी आ गया है, मैं पहले खाऊं। This is the restaurant. खैर कभी कभी आ जाते हैं। गाइस 12:30 हो गए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं अभी गाड़ी का। आई होप कि हम लोग को गाड़ी मिल जाए जल्दी से, फिर हम लोग भी निकल लेंगे, क्योंकि गरुड़ में जो गाड़ी है उनके पैसेंजर होंगे तो वो चले जाएंगे जिस गाड़ी में हम लोग आए थे, राजा भाई की गाड़ी में। तो 12:30 हो गए हैं, वी आर स्टिल वेटिंग। एक दो कार्ट ट्रक ले जाओ, अभी कोई आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे है वैसे ये। ये देखो भैया पत्तियां तोड़ के ला गए ये लोग सब लोग ने। हां ठीक है। अच्छा प्रणाम कर रहा मेरा बाबू उनको। जी ले रहा जी। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। कोटगारी आए हैं पता है अंकल, पूजा वूजा लेके, वहाँ सब पता है उन्हें, बकरी वकरी कहाँ काटते हैं सब पता है। कोटगारी मैया का बड़ा, यहाँ भी बहुत हुआ यार, कोटगारी मैया का तो भैया रौला ही अलग है अपना। 12:37 में मिल गई हम लोगों को भी गाड़ी। गरुड़ का मार्केट, गरुड़। अरे वो कह रहा है ना ऊपर गाड़ी वाले ऊपर छोड़ते ना, इसलिए कह रहा है कि नीचे छोड़ देना करके। हाँ गाड़ी वालों का यही, ऊपर वाले गाड़ी वालों का यही तो होता है, वो कह रहा है कि नीचे से छोड़ देना। ये वो आगे का होगा जना, ये टूटा हो सकता है।
देखो गाइस ये छत गिरी है यहाँ पर और एक आमा यहाँ से गिर के उनकी डेथ हो गई। शिट, मेरे को लगा देखने आए उन्हें वो कैसे हो रही तबीयत वगैरह। आप छोड़ देते ना उधर, वही तो। चलो भैया ने छोड़ दिया है हमको। गाइस ये यहाँ की 99 शॉप है। बैग निकालो। हाँ एक 15 हो गए हैं हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने पिगी बैंक ले रखा है बच्चे के लिए, अपने एक अपने लिए एक बच्चे के लिए। गोइंग बैक टू स्वीट होम। 1:17 हो गए हैं तो मैं यहाँ पर मेहंदी पूछ रही हूँ कट्टे वाली मेहंदी होगी कि नहीं। ग्वालदम पहुँचे अभी मैंने अपने बाबू को खिलाया दही क्योंकि इसका दूध जम चुका था और हम दूध रख के गए थे तो उसका दही जमा हुआ था तो उसको खिलाया मैंने अपने बाबू को। और अभी ये खा रहा है चने और मैंने तो केले खा लिए, थोड़ा सा पेट भर चुका है। बट मैंने पतिदेव को बोला कि कुछ लेके आना खाने के लिए, मैं चाय बनाती हूँ गर्मा गर्म अदरक वाली, हम लोग खाएंगे पियेंगे बस सो जाएंगे अभी तो फिलहाल क्योंकि हम थके हुए हैं काफी। साफ सफाई तो मैं कल ही करूंगी, कल ही करूंगी। सारे कपड़े हमने ऐसे रखे हैं अभी और एक सूटकेस हमारा नीचे ही था तो वो लेके आएंगे पतिदेव, दूध भी लेके आएंगे। उनका कॉल आया था तो दुकान में रखा उन्होंने दूध, फिर दूध दूध गर्म करना है, ये सब करना है मुझे काम अपना। तो आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, होटल में भी काफ़ी अच्छा था, स्टाफ वगैरह तो अच्छा था वहाँ का काफ़ी। उन्होंने हम लोग को नीचे तक भी ड्रॉप किया और लेने के लिए भी आए थे वो लोग, तो ये अच्छा लगा मुझे। और आई होप कि आप लोगों ने हमारा वीडियो, हमारा जो भी है चीज़ें इंजॉय करी होंगी। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे चैनल को इफ़ यू आर न्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। कमेंट्स भी करना गाइस कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा। ओके बाय, ओके बाय, बोलो बाय बाय। एंड यस गाइस ये तो बताना भूल ही गई कि हम लोगों ने कौसानी से करी है बहुत सारी शॉपिंग, तो उसको मैं अभी तो डाल नहीं पाऊंगी और ना ही मैं शूट कर पाऊंगी अभी, तो कल मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ और किसके लिए क्या क्या लेके आई हूँ, किस किस के लिए लाई हूँ। ठीक है तो बने रहें व्लॉग में, आगे भी बने रहना व्लॉग में और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आप लोग को पता लग जाए कि मेरा वीडियो आ चुका है, लाइव हो गया है वीडियो। ठीक है तो टिल देन बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ यार प्लीज़ मेरा ये सब कुछ आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो आप लोग को पता ही कि सुबह सुबह का प्लान बना था तो फिर हम लोग ऐसे ही चले गए थे फटाफट से पैकिंग करके। तो अभी आए हैं अब 3 दिन के बाद, अब करेंगे सारा काम। बाय।